कालिंगन, एक छोटी सी सुंदर कहानी। अतीत के भूल चुके खजाने में लाखों ऐसी कहानियां हैं जिनको युगों तक मौखिक ढंग से एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचाया जाता रहा है, लेकिन ऐसी कहानियां कभी मुख्य साहित्य का हिस्सा नहीं बन सकी। राजा शर्मा जी एक ऐसी कहानी को, या यूं कहें कि एक काल्पनिक घटना को, कहानी का रूप देकर आपके लिए लाए हैं। बहुत ही खूबसूरत ये कहानी आपको शर्मा जी की लेखनी की प्रशंसा करने पर बाध्य कर देगी। तो आइए सुनिए ये कहानी। बात हजारों वर्ष पहले के उस समय की है जब पेड़ पौधे, चिड़िया, जानवर सभी एक दूसरे से बातें करने में सक्षम थे और इंसान भी उनकी बातों को समझते थे। एक दिन एक लेखक एक पेड़ के नीचे बैठा कुछ लिख रहा था। पेड़ की एक मोटी सी डाल और एक पतली सी हरी नाजुक सी टहनी आपस में बातें कर रही थी। डाल ने उस जवान हरी टहनी से कहा, आज सब कुछ उदास उदास सा लग रहा है, मौसम भी कितना नीरस सा है और सब कुछ खाली खाली सा लग रहा है। टहनी ने भी कुछ झिझकते हुए कहा, हाँ ठीक कहा तुमने, मुझे भी कुछ कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है। ठीक उसी समय उस नाजुक कोमल हरी टहनी पर एक बहुत ही सुंदर चिड़ा आकर बैठ गया। कुछ ही देर में उसके पास ही एक और चिड़ा भी आकर उसी टहनी पर बैठ गया। एक चिड़े ने बात शुरू की और दूसरे चिड़े से कहा, आज मैं बहुत उदास हूं, आज मेरी प्रेयसी, मेरी चिड़िया मुझे छोड़कर चली गई है, सब कुछ नीरस नीरस सा लग रहा है। दूसरे चिड़े ने तुरंत ही कहा, मेरी पत्नी भी ना जाने कहां चली गई है, लेकिन मैं जानता हूं कि वो अब कभी भी हमारे घोंसले में वापस नहीं आएगी, क्योंकि मैंने उसको जाने अनजाने में बहुत दुख दिए, पर मुझे भी परवाह नहीं है अब आए या ना आए। वो दोनों चिड़े बातें करते रहे, लेकिन कुछ ही देर में वो दोनों बहस करने लगे और बढ़ते बढ़ते उनकी बहस झगड़े में बदल गई। दोनों जोर जोर से चीची करने लगे और एक दूसरे को चोंचे भी मारने लगे। डाल और टहनी के साथ साथ पेड़ के नीचे बैठा वो लेखक भी उन दोनों की लड़ाई को बहुत ही ध्यान से देख रहा था। तभी अचानक दो चिड़िया आई और उन दोनों चिड़ों के पास बैठ गई। एक ने पहले चिड़े की प्रेमिका थी, दूसरी दूसरे चिड़े की पत्नी। कुछ देर में ही दोनों अपने अपने साथी के आगोश में बैठी थी और सब कुछ शांत हो गया था। कुछ ही देर में वो चारों चीची करते हुए खुशी खुशी उस पेड़ से दूर उड़कर ऊंचे आकाश में पहुंचे। उनके जाने के बाद डाल ने धीमे से हरी कोमल टहनी से कहा, कितना शोर मचाया था उन्होंने। जवान हरी टहनी ने जवाब दिया, अब तो शांति हो गई है और सब कुछ अच्छा भी लग रहा है। उन चारों को एक साथ जाते देखकर मेरे मन में कुछ कुछ होने लगा, कैसे झगड़ने के बाद फिर से प्रेम उमड़ आता है। डाल ने उसकी बात सुनकर कहा, हाँ मुझे भी कुछ कुछ अच्छा लग रहा है। हरी टहनी ने कहा, क्या तुम हवा का सहारा लेकर झूलते हुए मेरे नजदीक नहीं आ सकते हो? क्यों नहीं, मैं तो कब से इसी सोच में रहा के तुम कब मुझे बुलाओगी। तभी तेज हवा चली और हवा के साथ उस डाल के नजदीक आते ही वो हरी जवान नाजुक टहनी कस कर उस डाल से लिपट गई और मौसम सुहाना हो गया। नीचे बैठा लेखक मुस्कुराने लगा और जल्दी जल्दी अपनी डायरी में कुछ लिखने लगा। उसको अचानक याद आया कि आज सुबह वो भी तो अपनी प्रेयसी से झगड़कर
घर से निकला था और इस पेड़ के नीचे आकर बैठ गया था। वो उठा और डायरी और कलम को अपने कोट की जेब में डालकर अपने घर की तरफ दौड़ने लगा, जहां वो भी टहनी की तरह ही अपनी प्रेयसी से लिपट जाना चाहता था। कुछ दिन बाद उस लेखक की नई रचना लोगों के सामने थी और उस रचना का शीर्षक था, प्रकृति प्रेम का कभी ना अंत होने वाला पाठ है। बहुत बहुत शुक्रिया।